दोस्तों अभी स्क्रीन पर चला करके यूपी की एक वायरल वीडियो दिखाने वाले हैं। उस वीडियो में आप खुद देख लीजिएगा कि किस तरह से एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ भाग करके शादी कर लिया है, और वीडियो बना करके वो मुस्लिम लड़की खुद कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इसके साथ भाग करके शादी कर लिया हूँ, हमारे खिलाफ हमारे परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं याद दिलाता हूँ, देखिए जब कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ शादी कर लेता है तो लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है और उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर के कानून भी बना रखा है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ये वायरल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हिंदू लड़का इस मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्या बोल रही है ये लड़की वीडियो बना करके, देखिए वीडियो। पुत्री अब्दीन अंसारी, ग्राम पोस्ट हिंदूपुर, जिला देवरिया की निवासी हूँ। मेरे हस्बैंड हरकेश यादव जी, पुत्र रामचंद्र यादव जी, ग्राम पोस्ट हिंदूपुर, जिला देवरिया के निवासी हैं। हम दोनों लोग भाग के शादी कर चुके हैं। ये मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं। हम खुद से अपने मर्जी से इनके साथ भाग के आई हूँ और शादी कर ली हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि मेरे हस्बैंड के फैमिली के ऊपर कोई भी टॉर्चर ना किया जाए, जो बेकसूर हैं उनको भी कोई टॉर्चर ना किया जाए। दोस्तों लंगूर के हाथ में अंगूर आपने देख लिया। अब यहाँ पर उन अनभक्तों को और योगी सरकार से, योगी से, खास करके योगी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़का, ये हिंदू लड़का जो मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन किया, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो अब आप लोग कहेंगे लड़की तो खुद बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से इसके साथ साथ शादी किया हूँ। लेकिन देखिए मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन वो स्पीच देते हैं, मदरसा चलाते हैं, एक यूट्यूब चैनल है, उसको लेकर के शक के बुनियाद पर किस तरह कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है, 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है, ये बोल करके कि ये मौलाना साहब धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सीधी बात है, जब लड़की खुद बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उमर गौतम साहब, जिस तरह ये लोग हो गए हैं, इनके बारे में, उमर गौतम साहब के बारे में भी एक लड़की आई थी और ये कह रही थी कि मैं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया हूँ। लेकिन योगी बाबा और अनभक्त गोबर खाने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं, जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को भगाता है तब कहता है ठीक किया, जब मुस्लिम लड़का वहां पर होता है तो कहता है कि लव जिहाद क्या, इसको अंदर डालो। दोस्तों इस पर आप लोग क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।